अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आमना उस्मान। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जलसे में जो कि मीनारे पाकिस्तान पे मुनक्किद किया गया है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। सिर्फ नौजवान और बच्चे ही नहीं, यहाँ पर बुजुर्ग खवातीन जिनको मैं कह सकती हूँ बहुत प्यारी प्यारी और क्यूट सी है, वो भी मौजूद है, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक खातून, क्या करने आई है? मैं पीटीआई को सपोर्ट करने आई हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। और मैं काफी दूर से, हम 2-2.5 किलोमीटर चल के आए, हमारे भी कई साथी पीछे भी रहे। अच्छा, अभी आपने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, क्या मतलब है इसका? कैसे एक्सप्लेन? 30 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, उसको मौका तो दें। मैं नहीं कह रही कि इमरान खान ने कोई से गलती नहीं हुई, सबसे हुई है। मैंने अब कह रही हूँ कायदे आजम से भी गलती हुई थी, उन्होंने हिंदुओं पे ट्रस्ट करके कश्मीर हवाले कर दिया था, तो इमरान खान से भी कई गलतियां हुई हैं, बट मौका तो दे। चोर नहीं है वो ईमानदार है। इनके 30 साल, इन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी खरीदी, इन्होंने सारे जज खरीदे, इन्होंने सारी आर्मी खरीदी। आई एम सॉरी, हमारे लीडर ने कहा है कि हमें अपनी उनको कुछ अधारों को कुछ नहीं कह रहा, बट हमारा भी दिल दुख रहा है। थैंक यू। जी, मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इनकी दोस्त भी है, ये 3-4 खवातीन है जो बहुत अच्छी दोस्तें हैं और यहाँ पर इमरान खान साहब को सपोर्ट करने आई हैं। कोशा खाने के बारे में इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने चोरी की है, क्या कहेंगी? ये कोशा खाना इन्हें आज याद आया है जी, पिछले 70 ईयर्स से ये लोग बार बार यही कर रहे हैं, कभी जरदारी, कभी नवाज, कभी उस वक्त कोशा खाना, क्यों नहीं इन्हें पता चला? उसने तो 15% से ऊपर 50% पे परचेज किया, अगर परचेज किया और उसने वो सारा कुछ लगाया है तमाम पे, रोड्स की कंस्ट्रक्शन पे लगाया, उसने पर्सनल तो कोई चीज नहीं की। ये लोग को इतनी इतनी महंगी चीजें वहाँ पे बोड़ियों के भाव अपने घरों में ले गए, उस वक्त तोशा खादम के लिए कहाँ था इनका सारा कुछ? उस वक्त इन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। आज इमरान खान ने जो भी किया तो उसके लिए ये लोग एक्शन ले लेते हैं। महंगाई बहुत हो गई है, क्या कहेंगे? अभी कौन सी ठीक है? अभी आप बहुत दिन इंतजार करें, आप पिछली महंगाई को पब्लिक भूल जाएगी। ये महंगाई सारी आप कहीं जाने जाए, किसी मुल्क में चले जाए, कैनेडा, अमेरिका, वहाँ हमारे जो रिश्तेदार हमारे वो भी यही कहते हैं, तो अगर यहाँ हुई है तो उसके लिए कोई इसकी वजह है। लेकिन लोग भी इन्होंने जिस तरीके से ये अमेरिका और उसके साथ मिलकर जिस तरह से इंसान के खिलाफ, तो उसके साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा दुआ भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे उम्मीद के इंशाल्लाह वो वापस। इनके साथ एक और खातून मौजूद है, मुझे एक बात बताएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत है इमरान खान की हुकूमत? इमरान खान की हुकूमत, क्या वजह? वजह यह है, आप सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान ने एक ईमानदार बंदा है, चाहे कुछ भी है उसने कभी कोई बेईमानी नहीं की, झूठ नहीं बोला कभी, उसने मुल्क के लिए काम किया। अभी तक जो भी काम उसने किया उसने अपने मुल्क के लिए किया, अपने कौम के लिए किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इतनी इतनी देर हुकूमत की है, इन्होंने क्या किया आज तक? ये कह सकते हैं कि हमने ये किया ये किया, अब उसके इन्होंने बने बनाए जाके वहाँ बैठ के अपनी तख्तियाँ लगा दी और अपना शुरू कर दिया उसको करना, तो ये तो दुनिया नहीं देख रही, लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ कर रहे हैं 34 ईयर्स से बढ़ के 70 ईयर्स लगा रहे हैं, आप इनकी बालियाँ लगी हुई हैं। इन्होंने क्या कौन से काम ऐसे किए जो आवाम के लिए किए? आने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर जो मेट्रो है वो भी कर दिया रमजान में, जबकि इसके अलावा और भी बहुत सारी वो चीजें कर रहे हैं कि डॉलर सिस्टम और मुख्तलिफ पहले और किसके लिए दे रही है आपने मेट्रो चलाई है, किसके लिए? वो जो चौकीदार है, जो चार दिनों के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अब लोग नहीं बेवकूफ बनने लगे, अब नहीं बनने लगे, वो टाइम गुजर गया जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दे दी बच्चे बच्चे को, हर बच्चे को पता है अपने राइट्स क्या है, आज सबको पता। मेट्रो आपने चला दी, क्या फायदा उस मेट्रो के चलाने का? मुल्क तो अमेरिका को दे दिया आपने, हमने हमें फकीरों ने मेट्रो पे बैठ के क्या? पंजाब का सारा पैसा लाहौर की सड़कों पे लगता है, लाहौर से गुजरांवाले की सड़क तो देखे, ये लाहौर में पैसा जाती उम्रा में पैसा इसलिए लगाते हैं कि इन्होंने बाद में उस पे चलना है, ये सारे बास्टर है। ये कह रहे हैं कि उसने मेट्रो चला ली, आप ये क्यों नहीं देख रहे? उसने 3 अपने घर जो है वो हुकूमत के खाते में डाल दिए, दुनिया जहान की सिक्योरिटी उनके घरों में पहुंच गई, सारी गाड़ियां उनके पास वापस आ गई, ये सब नहीं नजर आ रहा? आवाम पागल है,
लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, गुस्से का इजहार कर रही है, हमें मिले जुले रद्दे अमल नजर आए। और उनका ये कहना था कि आपको ये तो नजर आ रहा है कि उन्होंने मेट्रो चला दी और बहुत सारी चीजें कर दी है, लेकिन आपको ये नहीं नजर आया कि उन्होंने अपने तीन घर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे पे चलाना शुरू कर दिए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।